जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में क्या आप सभी लाइव हैं बता दीजिए राधे राधे भाई राधे राधे गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए गुड मॉर्निंग सभी को तो आज आप लोगों की डाटा इंटरप्रिटेशन की लास्ट क्लास है इसके बाद क्या स्टार्ट होगा वो भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है ठीक है चलिए कैसे हैं आप बढ़िया हैं और आज जो है हमारे बहुत अच्छे चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को आज तनुश्री का बर्थडे है तो सबसे पहले जो है हैप्पी बर्थडे तनुश्री भगवान आपको लाइफ में बहुत कामयाबी दे आप लाइफ में बहुत आगे बढ़िए और अपने साथ साथ अपने माँ बाप अपने देश का नाम बहुत ऊंचा लेकर जाइए और दुनिया में मैं भारत में नहीं मैं बोलूंगा पूरे दुनिया में एक परफेक्ट एग्जाम्पल आपसे मोटिवेटेड हो सकें और आपके राह नक्शे कदम पर चलकर एक वो भी बड़ा नाम कर सकें ठीक है चलिए जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएं वैसे वैसे आपको तरक्की मिलते जाए और बहुत आगे आप लाइफ में जाएं चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं आज के सेशन को और पिछले सेशन में शीट अपलोड करवा दो ठीक है भाई शीट अपलोड करवा देंगे परेशान मत हो ठीक है आज के क्लास के बाद इसकी शीट्स भी और इसके क्लास नोट्स भी दोनों के दोनों अपलोड हो जाएंगे तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि देखो मिसिंग डीआई में एक मैंने परसेंटेज का पूरा का पूरा पांच क्वेश्चन का डीआई करवाया और आज जो है मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा का पूरा यहाँ पर मिसिंग डी अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो मिसिंग डी है इस प्रॉफिट लॉस के मिसिंग डी में देखिएगा काफी शानदार तरीके से सवालों को पूछा गया बढ़िया बढ़िया सवाल जिसको हम कह सकते हैं जैसे इसमें देखिए क्या दिया है the following table is related to profit and loss and some values are missing theek hai all the discounts are on mp and profit are on cp seedhi si baat hai discount kis par hota hai to discount jo hota hai wo market price par hota hai और यहाँ पर जो profit होता है वो हमेशा CP पर होता है अगर यहाँ देखेंगे आप तो कितने items हैं यहाँ पे तो यहाँ पर जैसे jeans हो गया shirt हो गया T-shirt हो गया suit हो गया, सूट हो गया साड़ी हो गया यहाँ पर इनके कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं यहाँ पर इनका प्रॉफिट का परसेंट दे रखा है यहाँ इनका मार्केट प्राइस दे रखा है यहाँ डिस्काउंट है और यहाँ सेलिंग प्राइस है ठीक है बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिस हो रही हैं जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शर्ट की टी शर्ट की साड़ी की कोई भी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं मैंशनड है उसके अलावा यहाँ पर तीन लोगों का प्रॉफिट का परसेंट गायब है डिस्काउंट गायब है सेलिंग प्राइस गायब है लेकिन हाँ इस तरीके से डेटा जरूर दिया गया है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ें तो उनके आधार पर हम ये जरूर बता सकते हैं कि हमसे यहाँ क्या पूछा गया है और क्या नहीं ठीक है तो आज ये जरा एक बार सवाल को देखिए सबसे पहला सवाल बच्चों आपके सामने है और सवाल में यहाँ पर बोला गया द रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट ऑन द टी शर्ट इज सेवन रेशियो फाइव देन फाइन द सी पी ऑफ टी शर्ट डिस्काउंट का परसेंटेज और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट का परसेंटेज इन दोनों का रेशियो बच्चों दे रखा है सात अनुपात पाँच है तो हमें यहाँ पर टी शर्ट का जो है क्रय मूल्य यानी सीपी बताया गया है ये क्वेश्चन हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया है ठीक है याद करेंगे अगर प्रॉफिट लॉस की वो दिन वो शीट वो क्वेश्चन जहाँ पर हम आपको पढ़ाए थे तो उसमें क्वेश्चन आपका था कि डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का रेशियो दिया गया था मार्केट प्राइस भी दिया गया था और वहां से हमने क्या पता किया था सीपी कितना है वो पता किया था ठीक है तो सबसे पहले इस सवाल को बच्चों हम देखते हैं सवाल में हमें क्या बोला गया डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का रेशियो कितना है तो सेवन रेशियो फाइव है डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का रेशियो कितना है सेवन रेशियो फाइव है तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं सबसे पहले इस बात को समझते हैं डिस्काउंट का अगर परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट का परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू हंड्रेड ठीक है और प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होता है तो बोलेंगे सर प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू हंड्रेड ये हमारे दो होते हैं और उसके बाद हम क्या लगाते हैं परसेंटेज का साइन लगाते हैं ठीक तो डिस्काउंट का परसेंट निकालना है डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू हंड्रेड और प्रॉफिट का लगाना है तो प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू हंड्रेड ठीक सवाल में देखते हैं रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट तो डिस्काउंट तो का परसेंटेज कैसे निकालेंगे डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू हंड्रेड और यहां पर हम बात करते हैं प्रॉफिट के परसेंट को लेकर तो प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू हंड्रेड और ये दोनों का रेशियो बच्चे कितना है तो ये दोनों का रेशियो हमारा सेवन रेशियो फाइव है ये दोनों का रेशियो कितना है सेवन रेशियो फाइव है फाइंड द दीपी ऑफ टी शर्ट तो टी शर्ट का यहां पर क्या बोला गया है सीपी पूछा गया है बताइए सबसे पहले आप इस सौ को इस सौ के साथ काट दीजिए ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं ये सारा का सारा खेल किसका है तो टी शर्ट के ऊपर है तो ज़रा टी शर्ट वाले खेल में आते हैं टी शर्ट का सीपी गायब है टी शर्ट का प्रॉफिट का परसेंट गायब है मार्केट प्राइस कितना दे रखा है दो हजार आठ सौ पचहत्तर और डिस्काउंट का परसेंट कितना है तो चौदह परसेंट है ठीक है डिस्काउंट का परसेंट कितना है चौदह परसेंट है यानी यहाँ पर एक बात बताओ डिस्काउंट कितने रुपए का है क्या ये पता है हमें तो नहीं पता है कोई बात नहीं सवाल में हमें सीपी ऑफ़ टी शर्ट कहा गया है तो डिस्काउंट <coughs> का परसेंट और प्रॉफिट का परसेंट ठीक है और सीपी ऑफ़ टी शर्ट कहा गया है चलिए एक छोटा सा काम हम यहाँ कर सकते हैं इस सौ को हम इस सौ के साथ नहीं काटें इस सौ के साथ हम इस सौ को नहीं काटें हम यहाँ पर और आसानी से इसको बना पाएंगे देखते चलिए सवाल में हमें डिस्काउंट का पूरा का पूरा परसेंट कितना दे रखा है चौदह परसेंट यानि डी अपॉन एम पे इंटू हंड्रेड डी अपॉन एम पी इंटू हंड्रेड डी अपॉन एम पे इंटू हंड्रेड की वैल्यू कितनी है तो फोर्टीन है प्रॉफिट के बारे में हमारा कोई भी जिक्र नहीं है ठीक है और रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट जो है फिर हम इस तरीके से नहीं किसी और तरीके से बनाएंगे फिर सेवन रेशियो फाइव है सी पी टीशर्ट टी शर्ट दे रखा है चलिए हटाइए ये, ये सभी इससे आसान तरीके से हम बना सकते हैं इन सभी बढ़िया तरीके से हम इसको बना सकते हैं डिस्काउंट का परसेंट और साथ में प्रॉफिट का परसेंट जो है वो सात अनुपात पाँच है और यहाँ पर जो है हमें बोला गया है ठीक है यहाँ पर हमें बोला गया है कि डिस्काउंट का परसेंट और इतना टेन परसेंट आ जाएगा Then find the CP of T-shirt approximately. आज ये सवाल दूसरे तरीके से हम लोग बनाते हैं सबसे पहले आप एक बात को समझिएगा बड़े ध्यान से सवाल में हमें यहाँ पर ये बोला गया है ठीक है डिस्काउंट का परसेंट एक बार जो हमने लिखा था मैं आपको सोच रहा हूँ मैं समझाऊँ तो किस तरीके से समझाऊँ? क्योंकि हमारे पास है ना यहाँ पर काफ़ी तरीके हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लेकिन इन सब तरीकों से ना करके किसी और तरीके से किया ना, जाए ना ज्यादा बेहतर है चलिए आ जाइए दूसरे तरीके से बनाते हैं ठीक मैं आपको कोई और तरीके से बताने की कोशिश कर रहा था बट उसको छोड़कर उससे भी बढ़िया तरीके से हम इसको बनाते हैं डिस्काउंट के परसेंट और प्रॉफिट के परसेंट में जो है यहाँ पर सात और पांच का अनुपात है डिस्काउंट का परसेंट देखो यहां पर मैंने कहा ना डिस्काउंट के परसेंट में और यहाँ प्रॉफिट के परसेंट में रेशियो क्या है तो सात अनुपात पांच है डिस्काउंट का परसेंट कितना दे रखा है चौदह यानी अगर हम डिस्काउंट के जगह पर यहां रखें चौदह परसेंट तो बोलेंगे सर सात से दो बार में जाएगा पांच इंटू दो दस यानी कितना आ जाएगा प्रॉफिट टेन परसेंट आ जाएगा या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि डिस्काउंट का परसेंट अगर सात यूनिट है तो प्रॉफिट का परसेंट पांच यूनिट है यहाँ डिस्काउंट चौदह परसेंट दे रखा है जो कि सात का दोगुना है तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा वो पांच का दोगुना यानी कितना हो जाएगा दस परसेंट हो जाएगा यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा प्रॉफिट दस परसेंट हो जाएगा देखो इनका रेशियो सेवन और फाइव का है कि नहीं है ये अगर सात यूनिट है तो ये पाँच यूनिट है तो सात का दोगुना तो पांच का दोगुना सीधा का सीधा ऐसे निकाल लो ठीक अब किसी सामान का मार्केट प्राइस यहाँ इतना रुपए है और उसमें आप इतने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो तो आप उसको कितने में बेचोगे आप मुझे ये बताओ यानी आप सेलिंग प्राइस निकालोगे तो सेलिंग प्राइस आपका कैसे आएगा तो बोलोगे सर देखिए बात ऐसी है दो हजार आठ सौ पिछहत्तर रुपये का सामान है ये हमारा सौ परसेंट का दाम है क्योंकि ये मार्केट प्राइस है हम उसमें चौदह परसेंट का डिस्काउंट देना चाहते हैं यानी हमें कितने की वैल्यू निकालनी है एटी सिक्स परसेंट की वैल्यू निकालनी है ठीक है आ जाइए यहाँ पर काटेंगे पच्चीस से तो आपका ये चार बार में जाएगा कितनी बार में जाएगा तो पच्चीस से कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ सैंतीस आ गया पच्चीस से कम पच्चीस और पाँच बार में दो से काटेंगे तो दो बार में जाएगा दो से काटेंगे तो तीन बार में जाएगा अब यहाँ पर देखिए 115 को हम जो है यहाँ पर 43 के साथ गुना करके दो से भाग कर देते हैं ताकि हमारा सेलिंग प्राइस आ जाए 115 का तीन गुना तीन होता है यहाँ रख दिया और चौंतीस हाँ में और 115 का चार गुना चार सौ और तीस चार ठीक है चार सौ चौरानवे भट्टे में कितना हो जाएगा दो दो तीन दो दो पॉइंट पांच दो हजार तीन सौ बाईस दशमलव पाँच दो हजार तीन सौ बाईस दशमलव ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा अब सवाल में हमें कॉस्ट प्राइस बताना है तो कॉस्ट प्राइस बताना है तो ये जो है हमारा सेलिंग प्राइस है, यानी दो हजार तीन सौ बाईस दशमलव पाँच क्या है तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है और कितने के प्रॉफिट पर है टेन परसेंट के प्रॉफ़िट पर है यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सौ दस परसेंट का मान है हमें क्या निकालना है सी पी निकालना है तो हम सौ परसेंट के मान को गुना कर देंगे तो हमारा सी पी आ जाएगा ठीक है अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए एक बार आप बोलेंगे सर परसेंटेज से यहाँ परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारा दस आ जाएगा एक ज़ीरो दो ज़ीरो से हमारे दोनों जीरो चले जाएंगे ग्यारह से काटते हैं दो बार में बाईस हो जाएगा बारह हो गया एक बार में ग्यारह हो जाएगा फिर बारह हो गया एक बार में ग्यारह हो जाएगा और ये तो जा ही नहीं रहा है मेरे भाई रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट ऑन ए टी शर्ट इज सेवन रेशियो फाइव यानी टेन परसेंट हो जाएगा उसके बाद दो हजार आठ सौ पचहत्तर इंटू एक्स अपॉन हंड्रेड यहाँ हमने थोड़ी सी गड़बड़ किया है क्या 25 से चार बार में जाएगा 25 से कम 25 सैंतीस फिर 12, पांच बार में दो से दो बार में चार तीन एक सौ पंद्रह का तीन गुना तीन सौ पैंतालीस का पाँच चौंतीस हाथ में एक सौ पंद्रह का चार गुना चार सौ साठ और चौंतीस चार सौ चौरानबे हे भगवान हे भगवान हे भगवान, भगवान यहाँ पर है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हमने यहाँ देखेंगे ठीक है या फिर आप इसको ऐसे भी रहने दो एक सौ पंद्रह देखो एक सौ पंद्रह का तीन गुना तीन सौ पैंतालीस का पाँच चौंतीस हाथ में आ जाएगा एक सौ पंद्रह का चार गुना हो जाएगा हमारा चार सौ साठ चार सौ साठ तीस चार सौ नब्बे फोर नाइन्टी फोर मुझे लिखना था और मैंने फोर सिक्सटी फोर लिख दिया था डिवाइड बाई टू करोगे दो से दो बार में चार बार में सात बार में दो बार में यानी टू फोर सेवन टू पॉइंट फाइव आ जाएगा फिर वापस हम सीपी निकालेंगे तो बोलेंगे सर चौबीस सौ बहत्तर दशमलव पाँच कितना हो जाएगा चौबीस दशमलव पांच ये हमारा यहाँ पर 110 परसेंट की वैल्यू हो जाएगा तो हमें यहाँ पर 100 परसेंट की वैल्यू निकालनी है जीरो से जीरो खत्म दशमलव से हमारा एक और जीरो खत्म 11 से काटेंगे दो बार में 22 हो जाएगा 27 फिर दो बार में 22 हो जाएगा बावन चार बार में यहाँ पर ठीक है और यहां पर है ना दो बार में 22 आ गया 27 दो बार में 22 आ गया बावन चौवालिस यानी टू टू फोर और नियर अबाउट एट के करीब में जाएगा टू टू फोर एट यानी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा टू टू फोर एट ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना थोड़ा सा मैं इसको आसान तरीके से और बता देता हूँ आपके सामने थोड़ा सा आसान आपके लिए और कर दे रहा हूँ मैं ठीक है क्या है इस सवाल में कैसे पूछा गया थोड़ा सा देखिए आप यहाँ पर ये सभी चीज़ों को मैं हटा दे रहा हूँ सभी चीजों को मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ सभी पॉइंट्स को ऑप्शन नंबर डी आ चुका है सभी पॉइंट्स को हम आपको बताते हैं देखिए आपके सामने प्रॉफिट का परसेंट दिया है आपके सामने डिस्काउंट का परसेंट दिया है और आपको क्या निकालना है तो यहाँ पर आपको जो है एक तरीके से सी निकालना है आप सभी चीजों को गोली मार दीजिए हटाइए लीव इट क्या है क्या नहीं है याद करिए आपको मैंने फॉर्मूला दिया गया था और फॉर्मूले में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था ठीक है कि जब आपके चार वस्तु दिए गए हो एम भी दिया गया हो सी भी दिया गया हो डिस्काउंट का परसेंट भी दिया गया हो और प्रॉफिट का परसेंट भी दिया गया हो तो उस केस में आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं तो प्रॉफिट लॉस में हमने आपको एक फार्मूला बताया था और उस फॉर्मूले के माध्यम से हमने यहाँ लिखा था याद करिए एम अपॉन सी बराबर होगा हंड्रेड प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई हंड्रेड माइनस डिस्काउंट कुछ याद आ रहा है ये फॉर्मूला लिखाया था कि नहीं लिखाया था बताओ यहाँ पर लिखवाया था ना तो बस इसी फॉर्मूले पे मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है वो बनाना है और देखना है तो सवाल में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो मार्केट प्राइस कितना है तो दो हजार रुपए तो मार्केट प्राइस में यहाँ दो हजार रुपए लिख देंगे कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस लिख दो यहाँ पर ठीक है अब समझना मेरी बात को यहाँ डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो सात और पांच का है वहीं सात यूनिट का मान यहाँ चौदह परसेंट है तो पाँच यूनिट का मान कितना हो जाएगा दस परसेंट हो जाएगा तो आप यहाँ बोलोगे सर सौ में दस परसेंट का प्रॉफिट यानी कितना हो जाएगा एक सौ दस और सौ में चौदह का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा छियासी हो जाएगा आप यहाँ से सवाल को सॉल्व कर लीजिए आपकी वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो फाइनली अगर आपको सीपी निकालना होगा तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे दो को छियासी के साथ गुना करने के बाद आप जो है इसको 110 से भाग कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा और वो होगा ऑप्शन नंबर डी नियर अबाउट आपका आंसर आ जाएगा और वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक है क्लियर है तो ये फॉर्मूला देखो कितना आसान बना देता है जहाँ पर हम जो है बिना सेलिंग प्राइस निकाले भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है क्लियर है एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता दो बता दो एक बार एक स्टूडेंट तब से समीर नाम के मैसेज किए जा रहे हैं प्लीज हेल्प मी अखिलेश चेक व्हाट्सएप एंड प्लीज हेल्प मी मेरे भाई तो आप जो है एक बार दोबारा से मैसेज कर दो ठीक है एक बार जो है ना आप दोबारा सभी मैसेज कर दो मैं फोन ही हाथ में लिए हुए मैं देख लूंगा एक बार कि आपने क्या मैसेज किया था ठीक आ जाइए क्लियर है एक बार बताओ जल्दी से फिर हम आगे बढ़ते हैं क्लियर है तो बताइए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर सात आपसे कहा गया है सवाल में ठीक है क्वेश्चन नंबर सात आपसे कहा गया है सीपी ऑफ सूट इज हाउ मच परसेंट लेस देन एमपी ऑफ जीन्स यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस से कितना परसेंट कम है कॉस्ट प्राइस जो है यहां पर मार्केट प्राइस से आपका कितना कम है सीपी ऑफ सूट इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन ऑफ देस ठीक है अब सूट का सीपी सूट का सीपी कितना है तो यहाँ बाईस सौ रुपए है ठीक है और जीन्स का जो एमपी है अगर हम जींस के बारे में बात करें तो जींस का एमपी कितना है सत्ताईस सौ बीस है तो बोला गया ये जो बाईस सौ है ये यहाँ पर सत्ताईस सौ बीस से कितना प्रतिशत कम है ये जो सत्ताईस ये बाईस सौ है ये सत्ताईस सौ बीस से कितना प्रतिशत कम है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो बोला गया ये बाईस हो गया और यहाँ पर कितना हो गया तो सत्ताईस हो गया ठीक है जीरो से हमारा जीरो खत्म हो गया उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं ठीक है तो और काट लीजिए आप इसको दो से काटेंगे तो 110 बार में और दो से क्यों काटना सीधा चार से काट लो इसको तो चार से काटोगे तो 55 बार में कटेगा चार से काटोगे तो चार छ चौबीस और चार अठे बत्तीस हो जाएगा यानी ये जो पचपन है अड़सठ से कितना कम है तो पचपन अड़सठ से कितना कम है मेरे भाई तेरह की कमी है कितने के ऊपर है अड़सठ के ऊपर तो तेरह बटे अड़सठ इंटू कितना कर देंगे सौ कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा चार से काटोगे तो सत्रह बार में ठीक है और यहाँ चार से काटोगे तो पच्चीस बार में फिर गुना करो तेरह का पांच गुना पैंसठ का पांच छ हाथ में तेरह गुना छब्बीस और छह यहाँ हो जाएगा बत्तीस बट्टे में सत्रह सत्रह का एक गुना सत्रह एक सौ पचपन आ जाएगा ठीक है और सत्रह अठे कितना होता है आप बताइए सत्रह का सात गुना कितना होता है तो सत्रह का सात गुना सात सत और एक सौ उन्नीस सत्रह अठे कितना लेंगे यहाँ पर हाँ क्लियर है एक बार समीर जी आप मैसेज कर दीजिए आप बार बार परेशान हो रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आप एक बार यहाँ मैसेज कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है थीके? तो यहाँ पर हम इसको काटेंगे उन्नीस बार में सत्रह का नौ गुना यानी नाइनटीन पॉइंट वन परसेंट जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 325 को जब आप 17 से काटेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा ठीक है अखिलेश जी हमने आपका मैसेज देख लिया है और इसके बाद जो है मैं आपको मैसेज कर दूंगा बट तो ऐसे बीच क्लास में बार बार मैसेज मत किया करो ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट लोग देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ ए जीन्स इज रुपीज़ वन फोर्टी मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉर्ट एंड डिफरेंस बिटवीन एम पी एंड एस पी ऑफ ए शॉर्ट इज सेवन एटी फाइन द डिस्काउंट परसेंट ऑफ़ द शॉर्ट दोबारा से समझिएगा जीन्स का मार्केट प्राइस एक सौ चालीस रुपये ज़्यादा है समझिए मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स इज़ वन फोर्टी मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉर्ट ठीक है शॉर्ट के कॉस्ट प्राइस से इसका जो मार्केट प्राइस है वो एक सौ ज्यादा है उसके बाद कहा गया डिफरेंस बिटवीन एम पी एंड एस पी ऑफ ए शॉर्ट इज सेवन एटी ठीक है सभी सवालों को हम देखते हैं सबसे पहले यहां समझिएगा जींस का जो मार्केट प्राइस है वो एक सौ ज्यादा है शॉर्ट के कॉस्ट प्राइस से मैं अगर आपसे ये बात बोलूं कि मैं आपसे चालीस रुपए ज्यादा हूं तो क्या इसका उल्टा नहीं कह सकते हैं कि आप मुझसे चालीस रुपए कम है बताइए कह सकते हैं ना तो उसी तरीके से यहां पर यह बात बोला गया है कि एम ऑफ जींस अब जरा जींस में जा रहे हैं जीन्स का एम पी है ठीक है तो ये वाला जो वैल्यू है ना ठीक है ये वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पर शर्ट के सीपी से इससे एक सौ ज्यादा है इससे एक सौ ये ज्यादा है तो अगर इसमें से एक घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी ठीक तो आप इसमें से एक सौ घटा दीजिए सबसे पहले अगर आप इसमें से एक घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा छब्बीस उसमें से बीस और घटा दीजिए यानी ये हो जाएगा आपका पच्चीस कितना हो जाएगा बच्चे तो पच्चीस सौ अस्सी रुपए यानी यहाँ पर शॉर्ट का क्रय मूल्य आ चुका है उसके बाद बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एम पी एंड एस पी ऑफ ए शॉर्ट इज सेवन एटी यानी अगर हम बात करें यहां पर शॉर्ट के केस में तो इसके मार्केट प्राइस और इसके सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना है तो सात सौ अस्सी रुपए है ठीक है तो बोला गया बताओ यहाँ डिस्काउंट का जो परसेंट है वो कितने का है तो सबसे पहली बात मेरे भाई समझना रहे यहाँ पर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं डिस्काउंट बोलते हैं और सवाल में एम और एस का डिफरेंस सात सौ दे रखा है यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो शॉर्ट के केस में जो डिस्काउंट है वो दे रखा है और डिस्काउंट कितना दे रखा है सात सौ अब आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं आपको बोला क्या है निकालने को आपको ये तो बोल दिया कि आपने शर्ट का क्रय मूल्य निकाल दिया कोई परेशानी की बात नहीं है आपके पास इसका प्रॉफिट का परसेंट भी दिया गया है उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है आपसे यहाँ बोला गया है डिस्काउंट का परसेंट निकालने को और आपको भी एक छोटी सी बात पता है कि डिस्काउंट का परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्काउंट अपॉन एम पी इन हंड्रेड यानी डिस्काउंट का परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट भी पता होना जरूरी है मार्केट प्राइस भी पता होना जरूरी है अब यहाँ पर अगर हम सवाल को देखते हैं तो सवाल में हमें बड़े प्यार तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पर दे रखा है कि डिस्काउंट कितना है लेकिन हमें इसका मार्केट प्राइस यानी यहाँ पर इसका जो है अंकित मूल्य नहीं दे रखा तो कैसे पता करेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर देखो तो आपके पास किसका डेटा है कॉस्ट प्राइस का डेटा है और आपके पास क्या है तो प्रॉफिट का परसेंट है तो कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट परसेंट है तो सीधा का सीधा सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे बताओ यहाँ पर यानी दो हजार पाँच सौ अस्सी रुपए का तीस परसेंट निकाल के इसमें जोड़ दो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा या सीधा का सीधा इसका एक सौ तीस परसेंट निकाल दो तो बोलोगे सर देखो दो हजार पाँच सौ अस्सी रुपये का जो है सीधा का सीधा यहाँ पर तेरह बटे दस कर देते हैं एक सौ तीस बटे सौ या तेरह बटे दस बात एक ही है गुना करो तेरह का आठ गुना एक सौ चार का चार हाथ में दस तेरह पच्चे पैंसठ दस पचहत्तर का पांच हाथ में सात तेरह दोनों छब्बीस और सात यहाँ पर हो जाएगा आपका तैंतीस यानी तीन तीन पाँच चार तो अगर हम इसका सेलिंग प्राइस देखें तो तीन हजार तीन सौ चौवन आ जाएगा बोलो ये तो बच्चों बच्चों का काम है कॉस्ट प्राइस दिया गया है प्रॉफिट का पोर्सेंट दिया गया है तो सेलिंग प्राइस निकाल दिया ठीक है अब यहाँ पर एक और बात आप महसूस करेंगे तो सवाल में आपको ये बोला गया है कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर जो है वो सात सौ अस्सी है यानी इन दो लोगों का अंतर जो है यहाँ पर मार्केट का और सेलिंग का अंतर सात सौ अस्सी रुपये आ रहा है तो हम आपको यही बात कहना चाह रहे हैं कि मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट घटाने पर सेलिंग प्राइस आता है यहाँ उल्टा ऐसा भी कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को जोड़ दो तो मार्केट प्राइस आ जाएगा यानी तीन हजार तीन सौ चौवन रुपये में सात सौ अस्सी को जोड़ दीजिए तीन हजार तीन सौ चौवन रुपये में सात सौ अस्सी को जोड़ दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा और वो कितना होगा चार हजार एक सौ चौंतीस ठीक है वो कितना हो जाएगा चार हजार एक सौ चौंतीस यानी यहाँ पर बोलेंगे चार हजार एक सौ चौंतीस अब हमें क्या निकालना है डिस्काउंट का परसेंट हमें क्या निकालना है डिस्काउंट का परसेंट और अभी हमने आपको बताया था कि डिस्काउंट का परसेंट कैसे निकालते हैं तो डिस्काउंट का परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट को एम पी के साथ भाग करके सौ से गुना कर देते हैं हमारा डिस्काउंट कितने का है सात सौ अस्सी रुपये का तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट कितने का है सात सौ अस्सी रुपये का मार्केट प्राइस हमारा कितना है चार हजार एक सौ चौंतीस है तो बट्टे में भाग करेंगे चार हजार एक सौ चौंतीस से और गुना कर देंगे किसके साथ सौ के साथ और यहाँ पर जो इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी ना आपको उसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी समीर मैं आपको लास्ट बार कह रहा हूँ आपका मैंने यहाँ पर जो है पूरा का पूरा मैसेज मैं क्लास के बाद देख लूंगा बीच क्लास में परेशान मत करो मेरे भाई पचास बार मैसेज कर रहे हो यहाँ पे फिर पचास बार व्हाट्सअप पर मैसेज किया हुआ है बेटा तुमको खाली मैसेज तुम्हारा देखने नहीं आया सब है सबको पढ़ाने आए हैं तो क्लास के बाद बड़े प्यार से तुम्हारा मैसेज देखेंगे भी तुम्हें कॉल भी करेंगे समझाएंगे भी लेकिन अगर एक ही कमेंट को स्पैम करोगे बार बार ना तो उतनी बेचैनी सही नहीं होती है जब कह दिया कि क्लास के बाद मैसेज देख कर दूंगा तो बस क्लास के बाद मैसेज देख रिप्लाई कर दूंगा अब इसके बाद एक भी मैसेज नहीं आना चाहिए आपका ठीक है तो सवाल में बोला गया है डिस्काउंट का परसेंट बराबर है डिस्काउंट अपॉन बटे इतना 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 एक तो कैलकुलेशन यहां पर कॉम्प्लिकेटेड है अब उसमें आपके मैसेज देखें फिर दिमाग से बहुत सारी चीजें उतर जाती हैं फिर आप लोग बोलोगे कि सर कैलकुलेशन गलत कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग सात सौ अस्सी इंटू सौ बटे चार हजार एक सौ इक्तीस ठीक है सात सौ अस्सी को सौ से गुना करने के बाद किस से भाग करना है मेरे भाई तो चार हजार एक सौ चार हजार एक सौ अब आप यहाँ पर देखो तो सीधा का सीधा भागी कर दिया करो उतना मत सोचा करो को हजार को पर एक सौ चौतीस के साथ भाग किया एक बार में चार हजार एक सौ आ गया दस से 6 नौ से तीन ठीक है दस से चार 6 नौ से तीन हो गया आपका 8 से गया सात सात से चिर गया इतना ठीक है कोई परेशानी की बात है दस का एक हाँ जो देना दस का यहाँ पर छत्तीस आएगा ना ठीक है और उसके बाद यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लगा रहे हैं फिर एक जीरो लेकर आते हैं तो चार हजार का लगभग नौ गुना जाएगा नौ के छत्तीस हजार लगभग जाएगा लेकिन ये नहीं आठ बार में जाएगा यानी अठारह आएगा आठ के बत्तीस का दो तीन हाथ में आठ चौबीस तेईस सत्ताईस के साथ दो हाथ में आठ एक माठ दो दस के जीरो एक हाथ में आठ 32 बत्तीस एक तैतीस दस से दो आठ गया पंद्रह से सात आठ गया पाँच आ गया तीन आ गया थ्री फाइव एट एट दशमलव लगा दिया तो वापस इतना चला गया और 18 पॉइंट लगभग आठ के करीब में जाएगा 18 पॉइंट समथिंग आएगा यानी ऑप्शन नंबर सी 18 पॉइंट आठ के करीब में जाएगा 18.8 आ जाएगा आप यहां देख लो डिवाइड जो हमने किया है तो सबसे पहले ये 18 बार में कटा है और फिर उसके बाद यहां पॉइंट एट लगाया है तो इससे कटा है ठीक है एटीन पॉइंट एट के करीब में जाएगा आपका आप देखो यार कैलकुलेशन है थोड़ा सा इस मिसिंग डी में तो क्या कर सकते हैं मेन्स लेवल का क्वेश्चन था सवाल को हम आपको समझा देते हैं कि सवाल में दिया गया था ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए सवाल में आपको यहाँ पर दिया गया था बड़े अच्छे तरीके से कि इससे मेरे भाई यहां पर ये जो है ज्यादा यानी इस देखो इसके मार्केट प्राइस से एक सौ रुपए ये कम है तो पहले इसकी वैल्यू निकाल दी फिर ये दिया गया है और प्रॉफिट का परसेंट दिया गया है तो सेलिंग प्राइस निकाल दिया और फिर सेलिंग प्राइस दिया गया था और डिस्काउंट दिया गया है तो मार्केट प्राइस निकाल दिया और फिर मार्केट प्राइस पता है और डिस्काउंट पता है तो डिस्काउंट का

डिस्काउंट का परसेंट और प्रॉफिट का परसेंट क्या है सेम है और वो किसका है मेरे भाई सूट का है यानी अगर हम बात करते हैं कि अगर हमको एक्स परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है तो हमको डिस्काउंट भी कितने का हो रहा है एक्स परसेंट का हो रहा है ठीक है तो हमसे यहाँ बोला गया है सूट का जो मार्केट प्राइस होगा वो कितना होगा ये बता दो और इसके अलावा सूट के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है और इसके अलावा सूट के बारे में मेरे भाई कोई भी चर्चा नहीं है कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है प्रॉफिट का परसेंट है डिस्काउंट का है सेलिंग है ये सारी बातें हैं है अब आप सोचिए कि आप सवाल को कैसे निकालेंगे आपके पास सवाल में जितने परसेंट का डिस्काउंट है उतने ही परसेंट का यहाँ पर क्या दे रखा है तो उतने ही परसेंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी दे रखा है कि अगर तुम 10 परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हो तो तुमको 10 परसेंट का प्रॉफिट है अगर तुम बीस परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हो तो बीस परसेंट का प्रॉफिट है तो सवाल में हमसे मार्केट प्राइस बोला गया है सवाल में हमसे क्या बोला गया है मार्केट प्राइस बोला गया है इफ डिस्काउंट परसेंट परसेंट एंड प्रॉफिट सेम, फाइंड आउट एमपी ऑफ सूट कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे देखिए सूट का आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है प्रॉफिट परसेंट दिया नहीं है तो एक्स परसेंट आप मान लीजिए और आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है सबसे पहली बात है यहां देखो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है तो क्या हम इससे जो है वो प्रॉफ़िट का परसेंट निकाल सकते हैं कोई सामान को आप बाईस सौ रुपये में ख़रीदते हैं और फिर उसी सामान को आप दो हजार छः सौ चालीस रुपये में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा या आप प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालेंगे तो बोलेंगे सर प्रॉफ़िट का परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू कितना करना पड़ेगा हंड्रेड करना पड़ेगा प्रॉफिट की बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए बाईस सौ रुपये के सामान को दो हज़ार छः सौ चालीस में बेचा है यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो कुल मिलाकर जो प्रॉफिट है चार सौ चालीस रुपये का है ठीक है छब्बीस सौ चालीस में से बाईस सौ घटा दो यानी चार सौ चालीस रुपये का प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट कितने के ऊपर है तो बाईस सौ के ऊपर है इनटू बच्चे कितना कर देंगे यहाँ पर हंड्रेड कर देंगे ये हमारा हो जाएगा दो जीरो से दो जीरो ख़त्म बाईस से काटेंगे तो बीस बार में यानी प्रॉफिट का परसेंट कितना आ जाएगा बीस परसेंट प्रॉफिट का परसेंट कितना आ जाएगा बच्चों तो बोलोगे सर प्रॉफिट का परसेंट बीस परसेंट आ गया अब सवाल में आपको पता है कि प्रॉफिट का परसेंट बीस परसेंट है और ऊपर सवाल में दिया गया है कि जितने परसेंट का आपको प्रॉफिट होता है देखो जितने परसेंट का आपको प्रॉफिट होता है उतने ही परसेंट का डिस्काउंट भी होता है यानी डिस्काउंट भी कितने का होता है बीस का अब आप खुद सोचिए किसी सामान पे 20 परसेंट का डिस्काउंट है और उसके बावजूद हम उस सामान को दो हज़ार में बेच रहे हैं तो हम उसको कितने में अंकित किए होंगे यानी उसका मार्केट प्राइस कितना होगा तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए आप क्या बोलोगे आप बोलोगे पहली बात ये दो हजार छः जो है ये क्या है तो ये सेलिंग प्राइस है 100 परसेंट का सामान था 20 परसेंट का डिस्काउंट था यानी ये कितने की वैल्यू हो गई तो 80 परसेंट का हो गया हमको मार्केट प्राइस निकालना है तो हम 100 से गुना कर देंगे ठीक है 20 से काटा है चार बार में 20 से कटेगा पांच बार में बाकी गुना कर लीजिए चार से छः बार में चौबीस छः बार में चौबीस और जीरो ठीक है छः छे तीस का तीन यहाँ पर छाछठ का पांच गुना कितना हो जाएगा तो छाछछ का पांच गुना तीन सौ तीस हो जाएगा यानी तैतीस सौ हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज़ द करेक्ट आंसर तो काफ़ी अच्छा सवाल था जितने परसेंट का डिस्काउंट था उतने ही परसेंट का प्रॉफिट था तो पहले हमने क्या कर लिया डिस्काउंट कितने सॉरी प्रॉफिट कितने परसेंट का है वो निकाल लिया जितने परसेंट का प्रॉफिट आ गया यानी बीस परसेंट का आ गया तो उतने ही परसेंट का हमने डिस्काउंट भी कैलकुलेट कर लिया ठीक है और दोनों को कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद फिर हमने यहाँ पर देखा चलो ठीक है डिस्काउंट बीस प्रॉफिट बीस परसेंट डिस्काउंट बीस परसेंट सेलिंग दिया है डिस्काउंट दिया है तो मार्केट प्राइस हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया ठीक है अच्छा सवाल है मिसिंग टाई का ही काफी अच्छा सवाल है आ जाओ क्वेश्चन नंबर दस देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर दस में कहा गया है इफ द रेशियो ऑफ सीपी ऑफ जीन्स एंड साड़ी ठीक है यानी जीन्स में आप चले जाओ और आप साड़ी में चले जाओ दोनों में चले गए और इनके सीपी का रेशियो जो है यहाँ पर इन दो लोगों का रेशियो कितना है चार अनुपात पांच है यानी अगर ये चार यूनिट का मान है तो ये पांच यूनिट का मान है आप ऐसे बोलोगे कि सर जीन्स का और साड़ी का यानी ये अगर फोर यूनिट की वैल्यू है ना तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये फाइव यूनिट की वैल्यू है आप ऐसे समझ लीजिए तो सबसे पहले तो आप इसकी वैल्यू निकाल ही दीजिए सोचना क्यों है इतना बैठ कर ठीक है आप सीधा का सीधा बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी है यहाँ पर चार यूनिट का मान दो है यानी आप बोलेंगे साइड में कि सर 2280 कितने का मान है चार का कितने का निकालना है पांच का चार से पांच बार में सात बार में जीरो बार में जीरो आ गया ठीक है और सात बजे पैंतीस का पांच तीन हाथ में पचास पच्चीस दो हजार आठ सौ पचास तो ये वैल्यू कितने की आ जाएगी तो साड़ी की कीमत दो हजार आठ सौ पचास आ जाएगी क्योंकि इसका और इसका रेशियो चार और पांच का है यानी ये चार यूनिट का मान है तो ये पांच यूनिट का मान हो जाएगा सीधा सीधा हिसाब किताब उसके बाद यहां क्या बोला है फाइंड आउट द डिस्काउंट परसेंट ऑफ साड़ी तो साड़ी पर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट है आप मुझे ये बताइए आप देखिए कॉस्ट प्राइस दिया है आप देखिए प्रॉफिट का परसेंट दिया है देखिए तो यहाँ मार्केट प्राइस भी दिया है डिस्काउंट का परसेंट पूछा है याद करो वो दिन जब हम पढ़ाते थे उस फार्मूले को जिसमें चारों चीज़ें इन्वॉल्व होती थी जहाँ पर आपको ये भी दिया गया होता था मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट के बीच का रिलेशन जहाँ से मैं हमेशा कहता हूँ कि एस एक सवाल ज़रूर पूछती है तो बस वही काम यहाँ करना है अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सवाल में वही फार्मूले का उपयोग करना है और फार्मूला बच्चों क्या है तो साफ तौर पे याद रखना है एम पी अपॉन सी पी बराबर होगा किसके तो बराबर होगा हंड्रेड प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय यहाँ पर हंड्रेड माइनस डिस्काउंट के अब सवाल में देखेंगे तो मार्केट प्राइस कितना है तो बोलेंगे सर यहाँ पर मार्केट प्राइस अड़तीस है यानी ये हमारा हो जाएगा थर्टी ठीक है कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है दो हजार आठ सौ पचास है तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे ठीक उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रॉफिट दिया गया है बीस परसेंट का यानी सौ में बीस जोड़ दो तो तुम्हारा आ जाएगा एक सौ बीस डिस्काउंट के बारे में कोई जिक्र नहीं है हमें डिस्काउंट ही निकालना है तो बोल देंगे सर हंड्रेड माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है अब यहाँ इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए आसानी से आप इसको कर पाएंगे तो सवाल में देखिए तो बोलेंगे सर ज़ीरो से हमारा जीरो चला गया ये ज़ीरो से हमारा ये ज़ीरो चला गया ठीक है कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पे आगे देख लीजिए तो ये बारह और ये अड़तीस में सिर्फ दो कॉमन है जो इसको काट सकता है तो दो से काट लो आप इसको दो से काटोगे तो छः बार में और दो से काटोगे तो उन्नीस बार में ठीक है फर्दर यहाँ पर ये उन्नीस से कट सकता है क्या ये देखिए तो उन्नीस से एक बार में उन्नीस ठीक है बिल्कुल ये कट जाएगा आप उन्नीस से काट के देखो तो उन्नीस का एक गुना उन्नीस आ जाएगा और पाँच बार में कट जाएगा पंद्रह इंटू छः कितना हो जाएगा नब्बे तो हम बोलेंगे सर हंड्रेड माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी नाइन्टी एक्स को उधर भेजेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी टेन परसेंट इज़ द करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ तो अच्छा सवाल था थोड़ा सा जो है यहाँ पर इस चीज़ को समझना था ठीक है कि कैसे कैसे हम चीज़ों को रिलेट करते हैं कैसे हमारा कॉस्ट प्राइस दिया गया था फिर कॉस्ट प्राइस से हम जो है यहाँ पर डायरेक्ट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं ठीक है तो ये चार था तो उसके अनुसार ये पाँच यूनिट का मान हो गया जब हमारी इसकी वैल्यू आ गई तो उसके बाद हमने किसका निकाल दिया डिस्काउंट का निकाल दिया मैं बड़े आराम आराम से मध्यम मध्यम तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूँ रीज़न बस यहाँ पर यह है ताकि चीजें आपको समझ में आ सकें ठीक है चीजें आपको समझ में आ सकें ऐसा नहीं है मुझे करना होता तो मैं काफ़ी स्पीड में कर सकता हूँ लेकिन उससे आपका फायदा कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं होगा आज ये अगले पाँच सवाल बचे हैं अब अगले पाँच सवाल देखते हैं इंस्ट्रक्शन देख लीजिए इतना बड़ा है काफी लिखा हुआ है यहाँ पर द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड द टेबल शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर यानी आगे जो पाई चार्ट आने वाला है वो किस चीज़ के बारे में बताएगा तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर इन फाइव स्टेट पांच स्टेट है ए बी सी डी ई ठीक है कंट्री के और उसमें कितने कितने परसेंट फार्मर जो है यहाँ पर हैं कौन से कंट्री से कितने फार्मर हैं कौन से कंट्री से कितने फार्मर है उसके बारे में यहाँ ये यह बताएगा हु क्लेम्ड इंसुरस डू टू ड्रफ इन ईयर दो हजार सत्रह एंड रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ नंबर ऑफ फार्मर इन स्टेट रेस्पेक्टिवली ठीक है जैसे हम लोग एक बार देख लेते हैं तो ये वाला पाई चार्ट किसके बारे में बता रहा है तो ये वाला पाई चार्ट उन किसानों के प्रतिशत को बता रहा है जिसने यहाँ पर बीमा के लिए क्लेम किया हुआ है क्यों सूखा आ गया तो सूखा आ गया तो यहाँ पर इंश्योरेंस का वो क्लेम किया था उन्होंने तो यहाँ कंट्री ए से 24 परसेंट है कंट्री सी से 36 परसेंट है कंट्री डी से 20 परसेंट है और बाकी देखो बी और ई e का कोई जिक्र नहीं है इससे कितना परसेंट है ये नहीं बताया और ई e से कितना परसेंट है ये नहीं बताया फर्दर उसके बाद यहाँ पर इनके रेशियो दिए गए हैं कि जैसे कंट्री ए से चौबीस लोग हैं तो उस चौबीस में महिला और पुरुष का यहाँ पर अनुपात क्या है रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन द सिटी मतलब मेल और फीमेल मेल और फीमेल का रेशियो मेल फीमेल का रेशियो मेल फीमेल का रेशियो मेल फीमेल का रेशियो मेल इसी को बोलते हैं मिसिंग डी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना देकर इन्फॉर्मेशन को ही गायब कर देना और वो इन्फॉर्मेशन आपसे निकलवाना ठीक है ये देखते चलिए मिसिंग डेई के सारे के सारे रूप हैं इसके बाद नीचे यहाँ पर और क्या बातें बोली गई थी स्टडी द पाई चार्ट एंड टेबल स्टडी द पाई चार्ट एंड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज और नोट में भी एक बात लिखी गई है सम डेटा आर मिसिंग इन द पाई चार्ट एंड टेबल इफ रिक्वायर्ड इन एनी क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग डेटा फर्स्ट एंड देन आंसर द क्वेश्चन अगर कहीं पर आपको लगता है कि नहीं यार इस डेटा की पर्टिकुलरली हमें जरूरत थी तो पहले आप उस डेटा को निकालिए और उसके बाद उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का आंसर दीजिए तो सवाल में देखिए तो बोला गया टोटल नंबर ऑफ फार्मर जिन्होंने इंश्योरेंस को क्लेम किया यानी इंश्योरेंस को क्लेम करने वाले पूरे किसानों की संख्या कितनी है दो लाख चौंसठ हजार है दो लाख चौंसठ हजार है जिन लोगों ने इंश्योरेंस को क्लेम किया है उस दो लाख चौंसठ हजार का चौबीस परसेंट ए है उस दो लाख चौंसठ हजार का छत्तीस परसेंट सी है और उसका बीस परसेंट हमारा डी है और फिर यहाँ पर मेल और फीमेल का हमें रेस्पेक्टिवली रेशियोज दिए गए हैं ठीक है आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ग्यारह नंबर में ठीक है राजेश्वरी सैनी कहती हैं सर कल मेरे सी एच एस एल में मैथ्स में चौबीस क्वेश्चन सही हुए हैं सब आपकी वजह से बहुत शानदार राजेश्वरी जी ठीक है आप ऐसे भी पढ़ने में काफी अच्छे स्टूडेंट थे शुरू से ही और आपका काफी अच्छा स्कोर आया है बस और टहल का मचाइए पच्चीस में पच्चीस भी लेके आइए ताकि पचास वाला जो टैग है पचास वोटे पचास वो लग सके मैं हमेशा ऑफलाइन में भी गुरुकुल में एक बात बोलता हूँ कि देखो यार जिस दिन यहाँ पर इसमें से बैठा कोई एक भी स्टूडेंट है ना मैथ में पचास में पचास इंग्लिश में पचास में पचास रीजनिंग में पचास में पचास जो मेरा रिकॉर्ड है अगर उस रिकॉर्ड को तुम लेकर आ जाते हो तो मेरे से तुम दुनिया का जो मोबाइल बोलो मैं वो मोबाइल तुम्हें खरीद कर दूंगा जो आईफोन बोलो उस समय का सबसे लेटेस्ट मोबाइल मैं तुम्हें, तुम्हें खरीद कर दूंगा ये साफ मेरे गुरुकुल में कमिटमेंट होती है ठीक है क्योंकि रिकॉर्ड बनाए ही जाते हैं तोड़ने के लिए और उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी कि किसी मेरे अपने स्टूडेंट ने मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ा है मैथ पचास में पचास इंग्लिश पचास में पचास रीजनिंग पचास में पचास ठीक है तो आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट मैं वेट कर रहा हूँ कि हाँ कोई ऐसा आए जो उस रिकॉर्ड को तोड़े और उसको मैं जो है वो वो आईफोन दे सकू आ जाइए सवाल में क्या बोला है नंबर ऑफ फार्मर्स हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन स्टेट सी ध्यान से पढ़िएगा मैं थोड़ा इस साइड हो जाता हूँ पढ़िए अच्छे से द नंबर ऑफ फार्मर हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन स्टेट सी तो इंश्योरेंस सी में कितने नंबर्स होंगे पता कर लेंगे टोटल संख्या कितनी है हमारे पास तो टोटल संख्या दो लाख चौंसठ हज़ार है उस दो लाख चौंसठ हजार का छत्तीस परसेंट किस में क्लेम किया है सी में किया है एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ फार्मर इन स्टेट ई ठीक है एंड स्टेट ए टुगेदर बाई पांच हजार दो सौ अस्सी यानी स्टेट सी के जितने इंश्योरेंस होल्डर हैं ठीक है थीके? उनकी संख्या पांच हजार दो सौ अस्सी ज्यादा है किससे ए वाले और ई e वाले के साथ में तो बोला गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फार्मर हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन स्टेट ई तो ई e में इंश्योरेंस क्लेम करने वाले कितने लोग हैं बहुत शानदार डेटा दे दिया अब डेटा दे दिया तो इसमें मेल और फीमेल वाले की तो जरूरत है नहीं ना क्योंकि इसको हम पाई चार्ट से ही सॉल्व कर लेंगे तो जब मेल फीमेल वाले की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर मेल फीमेल वाले का हम डेटा लेके क्या करें हमारे लिए तो बेफिजुल डेटा हो जाएगा ये हमारे लिए डेटा क्या हो जाएगा बेफिजुल हो जाएगा कोई आवश्यकता इसकी है नहीं ठीक है तो यहां पर देखिए हम इसको बोलते हैं सबसे पहली बात नंबर ऑफ फार्मर हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन स्टेट सी यानी सी में जो फार्मर हैं ठीक है वो यहां पर नंबर ऑफ फार्मर हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन स्टेट सी एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ फार्मर ठीक है इन ई एंड ए टूगेदर यानी सी का जो मान है वो ए प्लस ई के मान से कितना ज्यादा है तो बोलोगे सर सी का मान ए प्लस ई से कितना ज्यादा है तो ए प्लस ई के मान से पाँच हजार दो सौ अस्सी ज्यादा है असल में यहाँ यह बोला गया है कि सी में जो फार्मर ने क्लेम किया है ठीक है उन्होंने आप लोगों के लिए भी ये मेरा ऑफर है आप लोगों का भी आ, मतलब ये ऑफर आप लोगों पर भी मैं ट्रांसफर करता हूँ कि जिस दिन मेरा कोई भी स्टूडेंट हो जिस दिन मेरा कोई भी स्टूडेंट हो ठीक है कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन का हो ऑफलाइन का हो यूट्यूब का हो मैथ पचास में पचास इंग्लिश पचास में पचास रीजनिंग पचास में पचास लेकर आ जाए उस दिन मेरे से जो भी मोबाइल बोलना तुम वो मोबाइल हम तुम्हें खरीद के देंगे ये मेरे तरफ से ऑफर है तो आ जाइए सी की जो वैल्यू है वो ए प्लस ई से कितना ज्यादा है पांच ज्यादा है ठीक है सी की जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है पाँच हज़ार दो सौ अस्सी ज़्यादा है अब बात करते हैं यहाँ सी के परसेंटेज को लेकर तो सी के परसेंटेज को लेकर तो देखो सी यहाँ पर कितना परसेंट है छत्तीस परसेंट है और ए का परसेंटेज कितना है चौबीस परसेंट है ठीक है तो हम यहाँ बोलेंगे देखो सी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा तो बोलेंगे सर दो लाख चौंसठ हज़ार ठीक है सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे तो बोलोगे सर दो लाख चौंसठ हज़ार टू लाख सिक्सटी फोर थाउजेंड ठीक है यहाँ पर दो लाख चौंसठ हज़ार का कितना परसेंट है तो दो लाख चौंसठ हज़ार का छत्तीस परसेंट है उसके बाद यहाँ बात करते हैं ए के डेटा को लेके तो वो कितना परसेंट है चौबीस परसेंट है ठीक है तो यहाँ पर अच्छा एक और बात उतना ना करके हम ऐसा भी कर सकते हैं सी का परसेंटेज लिख लेते हैं तो सी का परसेंट कितना है छत्तीस ए का परसेंट पता है तो हाँ ए का परसेंट है चौबीस ठीक है और उसके बाद ई का परसेंट पता है तो नहीं ई का परसेंट नहीं पता तो ई का परसेंटेज हम एक्स मान लेते हैं और यहाँ बराबर हो जाएगा किसके पांच हजार दो सौ अस्सी के समझना मेरी बात को फायदा क्या होगा इससे हम बता रहे हैं छत्तीस में से चौबीस घटा दो तो बोलोगे सर बारह परसेंट जो है वो बराबर होगा कितने तो बारह परसेंट बराबर होगा एक्स परसेंट प्लस हजार दो सौ अस्सी के ठीक है यहाँ पर ये छत्तीस परसेंट है टोटल का ये चौबीस परसेंट है टोटल का और यहाँ पर ये यह जो है हमारा एक्स परसेंट है और ये पाँच हज़ार दो सौ अस्सी छत्तीस में से चौबीस गया तो बारह परसेंट यानी जो बारह परसेंट होगा वो बराबर होगा एक्स परसेंट प्लस पाँच हजार दो सौ अस्सी के अब इस बारह परसेंट का डेटा कैसे पता चलेगा तो बारह परसेंट यानी दो लाख चौंसठ हज़ार का बारह परसेंट किसका दो लाख चौंसठ हज़ार का बारह परसेंट दो लाख चौंसठ हज़ार जो है है। इसका कितना चौबीस और सात इकतीस यानी इकतीस हजार छह सौ अस्सी तो यहां पर अगर हम बात करें इस बारह हजार का मान तो इकतीस हजार छह सौ अस्सी अब यहां इकतीस हजार छह सौ अस्सी लिख दिया उसमें से पांच हजार दो सौ अस्सी घटा दो पांच हजार दो सौ अस्सी घटा दो तो ये x परसेंट की वैल्यू हो जाएगी या यू कह लो तो x परसेंट किसका तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर x परसेंट यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर किसका हो जाएगा तो आप बोलोगे सर इसी संख्या का एक्स परसेंट दो लाख चौसठ हजार का कितना एक्स परसेंट ठीक है दो लाख चौसठ हजार का एक्स परसेंट ठीक है बारह परसेंट की वैल्यू यहाँ पर लिख दिया आपको हम और आसान कर देते हैं आप ऐसे समझ लो देखो आपने यहाँ पर बारह परसेंट का मान लिख दिया बारह परसेंट का मान कितना आ गया तो इस संख्या का बारह परसेंट इकतीस हजार सौ अस्सी हो जाता है ठीक है और इसी संख्या का एक्स परसेंट कितना होगा तो दो लाख चौसठ हजार दो लाख हजार का एक्स परसेंट कैसे निकालोगे तो इंटू एक्स अपॉन हंड्रेड और प्लस यहाँ कितना करेंगे पांच हजार दो सौ अस्सी अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए इकतीस हज़ार में से तो पहले पाँच हज़ार कट गया देखो पाँच हज़ार दो सौ अस्सी है ठीक है तो यहाँ पर इकतीस में से पाँच चला गया तो छब्बीस हज़ार आ जाएगा और छः सौ अस्सी में से दो सौ चला गया तो चार सौ आ जाएगा तो बोलोगे सर इकतीस में से पाँच गया छब्बीस हज़ार चार सौ छब्बीस हज़ार चार सौ बराबर होगा छब्बीस हज़ार ठीक है सीधा का सीधा टेन परसेंट आ जाएगा अगर आपको दिख रहा होगा तो दो जीरो से आपके दो जीरो चले गए टू सिक्स फोर जीरो से ये दस बार में कटेगा तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा सीधा का सीधा टेन आ जाएगा आराम से आप ऑप्शन नंबर सी जो है वो टिक कर दीजिएगा ठीक है वो जो है यहाँ पर टिक कर दीजिए बहुत प्यार तरीके से कि सी की जो वैल्यू है वो ए प्लस ई से इतना ज्यादा है सी का परसेंटेज दिया गया है ए प्लस ई का परसेंटेज दिया गया है ठीक है और यहाँ पर पाँच हज़ार दो सौ अस्सी दिया गया है आराम से एक एक वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा मैंने शुरू में ही सबके परसेंटेज अलग अलग क्यों निकाले इसीलिए नहीं निकाले क्योंकि सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता सीधा यहाँ पर देखा बारह परसेंट बराबर एक्स परसेंट प्लस इतना ये बारह परसेंट किसका तो पूरा इतने का बारह परसेंट एक्स परसेंट कितना तो पूरा इसका एक्स परसेंट यहाँ पर और ये बराबर हो जाएगा हमारा पाँच हज़ार दो सौ अस्सी के इसमें से पाँच हज़ार दो सौ अस्सी घटा दीजिए छब्बीस हज़ार चार सौ ठीक है और यहाँ पर इतना दिया ही गया था एक्स की वैल्यू दस आ गई पंकज कहते हैं सर आप आईफोन तैयार रखिएगा मेरे भाई बिल्कुल तैयार रहेगा आप टेंशन मत लो ठीक है मैं मैं वाकई मैं दिल से चाह रहा हूं कि आप लोग मेरा रिकॉर्ड तोड़ो इसी वजह से मैंने ऑफर आपको एक्सटेंड किया है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मैंने कहा है, डायरेक्शन 12 से लेकर 15 तक के सवालों का डायरेक्शन यहाँ दे रखा है 12, 13, 14, 15 सवालों का बोला गया है फॉलोइंग चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 300 स्टूडेंट ऑफ क्लास टेन ठीक है यहां पर क्लास के 300 बच्चों का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है इन स्कूल इन सिक्स डिफरेंट सेक्शन एबीसीडी पूरा बता दिया गया टोटल बच्चे कितने है? 300 हैं तीन सौ फिर उसके बाद यहाँ पर एक और यहाँ दिया गया है टेबलेट डेटा इसमें कहा गया द गिवन डेटा शोज द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास टेन डिफरेंट सेक्शन और यह हमारा बॉयस के बारे में बताया गया है यानी असल में यह हमारा कुल प्रतिशत बताया गया है उसके बाद यहाँ पर जो है हमें यह बताया गया है किस सेक्शन में कितने लड़कियों की संख्या है तो जाहिर सी बात है हमें लड़कियों की ही तो संख्या निकालनी पड़ेगी और ये जो है यहाँ पर बोला गया है ठीक है बाकी इस सवाल में एक और शॉर्टकट आप अपना सकते थे अगर मैं आपसे बताऊं तो और एक और शॉर्टकट आप क्या अपना सकते थे तो आप इतना कुछ ना करके आप यहाँ इस सवाल में एक और फंडामेंटल अपना सकते थे और वो आप यहाँ पर ये यह कर सकते थे देखो आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात पता है और वो क्या पता है कि देखो ये बारह है ठीक है और 12 परसेंट जो आएगा वो आएगा एक्स परसेंट प्लस इतना के तो आप इसी को पता कर लो कि ये कितना परसेंट है पाँच हजार दो सौ अस्सी को ही पता कर लो कितना परसेंट है क्योंकि जैसे पता है कि सी का मान छत्तीस परसेंट ए का मान चौबीस परसेंट ई का मान हमारा इतना तो ये भी परसेंट में है ये भी परसेंट में है ये भी परसेंट में है तो हम इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितने परसेंट के बराबर है समझ में आ गया बात तो देखो तो कि सवाल कितने कम लाइनों में बन जाएगा आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर देखो ये परसेंट में है ये भी परसेंट में है ये भी परसेंट में मान ही लिया है तो इसको भी परसेंट में कन्वर्ट करके देख लेते हैं तो हमने कहा छत्तीस में से चौबीस घटा दो तो बारह परसेंट आ जाएगा वो बराबर हो जाएगा हमारे एक्स परसेंट के और पांच हजार दो सौ अस्सी को पता कर लो कि पांच हजार दो सौ अस्सी दोबारा से बोल रहा हूं पांच हजार दो सौ जो है यहां पर किसकी वैल्यू यानी यहां पर पांच हजार दो सौ जो है दो लाख हजार का कितना परसेंट है पांच हजार दो सौ जो है दो लाख चौसठ हजार का कितना परसेंट है हमसे यहाँ पर यह कहा गया तो हम ऐसे भी इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं दो ज़ीरो से दो ज़ीरो ख़त्म जीरो से आपका ज़ीरो ख़त्म दो सौ चौंसठ का ये कितना दो गुना है साफ तौर पे दिख रहा है दो गुना है तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये कितना परसेंट है दो परसेंट है तो बारह परसेंट में से दो परसेंट चला जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी टेन परसेंट आ जाएगी आप ऐसे भी आंसर दे सकते थे तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाता ठीक है तो ये सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन था तीन संख्याएं हमारे परसेंटेज में थी एक वैल्यू में था इसको भी परसेंट में कन्वर्ट कर दिया सीधा का सीधा हमारा आंसर आ गया ठीक है अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया सी का जरा देख लेते हैं तो इसमें हमसे कहा गया क्वेश्चन नंबर बारह में टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए बी एंड डी टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन सेक्शन ए बी एंड डी टुगेदर यानी ए में बी में डी में जितने भी बॉयज हैं वो कितने परसेंट ज़्यादा हैं किससे तो यहाँ पर ए बी डी के गर्ल्स से तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ए का पुल देखो पूरा का पूरा जनसंख्या अगर हम बात करें थोड़ा तेजी में करेंगे पूरी जनसंख्या तीन है पूरी जनसंख्या कितनी है तीन है याद रखना है यहाँ पर कुल डेटा कितना है तीन है ठीक है टोटल डेटा हमारे पास कितना है 300 है तो 300 का बीस कितना हो गया तो बोलोगे सर 60 300 का 10 परसेंट तीस तो 20 परसेंट साठ फिर 300 का 18 परसेंट कितना हो गया तो बोलोगे सर 300 का 18 परसेंट हो गया चौवन फिर डी में चाहिए 300 का 17 परसेंट कितना हो गया तो इक्यावन हो गया ये हमने सीधा का सीधा नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल दिया 300 का 20 परसेंट साठ का 18 परसेंट चौवन का 17 परसेंट यानी ये 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 हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए अब ये जो दिया गया है ये किसका संख्या है बॉयज का संख्या है हम यहाँ पर किसका संख्या निकालेंगे तो गर्ल्स का भी निकालेंगे ठीक है अब यहाँ समझिएगा मेरी बात को ए में टोटल कितने छात्र हैं साठ हैं और ए में यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट है साठ साठ में छत्तीस लड़कियां हैं तो लड़के सॉरी लड़के अगर छत्तीस है तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी चौबीस बी में टोटल कितने हैं चौवन बच्चे हैं बी में टोटल कितने बच्चे हैं चौवन बच्चे हैं चौवन में अगर हमारे छब्बीस जो हैं वो लड़के हो जाएंगे तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी अट्ठाईस हो जाएंगी चौवन में से छब्बीस घटा दो अट्ठाईस आ जाएगा टी में टोटल कितने स्टूडेंट हैं तो इक्यावन है और इक्यावन में से अट्ठाइस घटा दोगे तो कितना आ जाएगा तो बोलोगे सर तेईस आ जाएगा कितना आ जाएगा तेईस आ जाएगा यानी यहाँ से हमें क्या पता चल गया टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर लड़कों की संख्या और यहाँ टोटल मिलाकर लड़कियों की संख्या लेकिन ऐसे जो है ना यहाँ पर ऐसे लोग करते हैं आपको ऐसे नहीं करना था ठीक है बाकी बच्चों को पूरी दुनिया को ऐसे काम करने दो ये सबसे बकवास तरीका हो जाएगा सवाल को सॉल्व करने का आपको यहाँ पर हर किसी का इंडिविजुअल डेटा बैठ के थोड़ी निकालना था यही तो सबसे घटिया अप्रोच है ऐसे नहीं करना था आप जरा सोचिए सवाल में क्या बोला गया था तो सवाल में आपसे बोला गया था कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज ठीक है कितना ज्यादा है मोर देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स से तो सबसे पहले हम यहाँ पर बता लेते हैं टोटल स्टूडेंट क्योंकि हमारा जो सेक्शन है ना वो सेम है बॉयज़ में कौन कौन सा सेक्शन लेना है तो ए बी और डी और गर्ल्स में भी कौन सा लेना है तो ए बी और डी तो हम पहले पता कर लेते हैं कि टोटल बच्चे ए बी और डी में कितने हैं तो ए में हमारा हो जाएगा साठ बच्चा बी में हमारा हो जाएगा चौवन और ये भी अलग अलग नहीं निकालना था ये सारे फर्जी तरीके थे मैं आपको बता रहा हूँ ना सारे के सारे फर्जी तरीके थे अब जो सबसे स्मार्ट तरीका होगा हम आपको वो डिस्कस करेंगे क्योंकि जिस तरीके से हम शुरुआत कर रहे थे हमने जान में वैसे शुरुआत की फिर उसके बाद हमने आपको कटवाया और रीज़न भी यहीं था क्योंकि बच्चे वैसे ही करते हैं बच्चों के मन में पता है क्या होता है बीस परसेंट दिया गया है तो बीस परसेंट निकाल के घटा दो फिर अठारह परसेंट निकाल के घटा दो सत्रह परसेंट और ऐसे करके वो अपने जीवन को ही तबाह करते हैं ऐसे पेपर में नहीं करना होता आपसे यहाँ ये पूछा गया कि बॉयज़ की टोटल संख्या गर्ल्स के टोटल संख्या से कितना ज़्यादा है आप बहुत आसानी से कर सकते हैं सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ए का बी का और डी का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है तो ए में बोलोगे 20 परसेंट है बी में 18 परसेंट है और डी में 17 परसेंट है इन ज़रा तीनों लोगों को जोड़िए 20, 30, 40 और यहाँ आ जाएगा 55 परसेंट यानी अगर हम बात करें तो टोटल स्टूडेंट जो होंगे वो कितने होंगे अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे मेरे भाई तो बोलोगे सर तीन का कितना परसेंट तो तीन का पचपन तीन सौ का कितना परसेंट पचपन परसेंट ठीक है यहाँ पर बीस अठारह सत्रह अठारह सत्रह पैंतीस होता है पैंतीस और बीस पचपन परसेंट आप आराम से काटिए पचपन का तीन गुना आपका एक सौ पैंसठ आ जाएगा यानी टोटल बच्चे कितने हैं तो एक है उसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बॉयस को लेकर तो बॉयस की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर तो ए में हमारा छत्तीस है बी में हमारा चौबीस है और डी में हमारा अट्ठाईस है तो जरा इन तीनों को जोड़ लीजिए ये हमारा किसका संख्या हो जाएगा बॉयस का तीस बीस पचास बीस सत्तर सत्तर हो गया और छः छः बारह बारह आठ बीस सत्तर बीस नब्बे यानी बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी नब्बे हो जाएगी तो टोटल बच्चे एक सौ पैंसठ हैं बॉयज हमारे नब्बे हैं तो गर्ल्स हमारी कितनी हो जाएंगी तो बोलोगे सर गर्ल्स हमारी यहाँ पर जो है सेवेंटी फाइव हो जाएंगे गर्ल्स हमारी कितनी हो जाएंगी टोटल में से को घटा दिया तो किसका मान आ गया गर्ल्स का मान आ गया आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई बिल्कुल आ गया यहाँ पर तो बोला गया टोटल नंबर ऑफ बॉय जो है वो कितना परसेंट ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स से आप इन दोनों का रेशियो देखकर बता दो इन दोनों का रेशियो देखो पंद्रह से काटोगे छह बार में पंद्रह से काटोगे पांच बार में ये जो बॉयज है टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं कितना ज्यादा है किससे गर्ल्स से तो छः पाँच से कितना ज्यादा है बीस परसेंट देखो ये कितना ज्यादा है बताओ तो बोलोगे सर एक ज्यादा है किसकी तुलना में पाँच की तुलना में तो एक बटे पाँच इंटू सौ तो आराम से आप ऐसे सॉल्व करते तो बोलते सर ट्वेंटी परसेंट इज द करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर आप ही जाओ सही उत्तर हो जाएगा समझ गए तो इस तरीके से करना था ना कि सबसे पहले अलग अलग, अलग लड़कों का निकालेंगे फिर अलग अलग, अलग लड़कियों का निकालेंगे फिर लड़कों का टोटल करेंगे फिर लड़कियों का टोटल करेंगे क्यों मेरे भाई सेक्शन तो एक ही है ना अगर ऐसा बोला गया होता कि लड़कों का जो है एबीडी का डेटा लेना है और लड़कियों में बीसीडी का डेटा लेना है तो फिर हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं लेकिन अगर एक ही सेक्शंस की बात कही गई है तो पूरा एबीडी का टोटल निकाल दो एबीडी में कितने बॉयज है वो निकाल दो घटा दो गर्ल्स की संख्या आ जाएगी इनका रेशियो देख लो छे और पांच का है छ पांच से कितना ज्यादा है एक बटे पांच यानी बीस परसेंट आंसर आ जाएगा समझ गए बात को ठीक है आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सीएचएसएल का ग्यारह आठ दो हजार इक्कीस क्या बोला गया है सवाल में यहाँ पर बोला गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन सी इज 57 अगर हम बात करते हैं सेक्शन सी में कुल बच्चों की संख्या कितनी है संतावन है देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी एंड डी विल बी ठीक है यहाँ पर अब सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है देखो सी में जो है यहाँ पर टोटल बच्चों की संख्या कितनी है संतावन है सी में टोटल बच्चों की संख्या कितनी है संतावन है ठीक है ये हमारा बॉयज का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो गर्ल्स का हो जाएगा संतावन में से आप इसको घटा दीजिए तो आपका कितना डेटा आ जाएगा तेईस आ जाएगा यानी सी में लड़कियों की संख्या कितनी है तेईस है हमसे क्या क्या पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी एंड डी टुगेदर सी का तो निकल गया क्योंकि सी का टोटल दिया गया सी का बॉयज दिया गया है तो टोटल में से बॉयज घटा दिया तो गर्ल्स आ गया अब हमें किसका चाहिए डी का चाहिए डी कितना परसेंट है सत्रह परसेंट है कुल बच्चे कितने थे 300 थे तो यहां पर तीन सौ का सत्रह परसेंट तीन सौ का सत्रह परसेंट कितना होता? होता है D में टोटल बच्चे होंगे. में 28 लड़के होंगे तो यहां पर लड़कियां तो 23 हो जाएंगी, तो जाएंगी. यानी लड़कियां कितनी हो गई 23 हो गई सवाल में हमसे यहां पर कहा गया है दोनों में मिलाकर कितनी लड़कियां हैं तो तेईस इसके पास तेईस इसके पास यानी दोनों मिलाकर कितनी है तो फोर्टी है फोर्टी जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ठीक है सूरज कहते हैं मजा आ गया सर वेरी गुड टीचर अरे बिल्कुल यार अप्रोच सही रखोगे ना तभी तो पेपर क्लियर होगा नौ मिनट में नहीं तो मजा कहाँ आएगा फिर ठीक आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया वो भी सवाल को समझिए सवाल में कहते हैं फोर्टीन नंबर क्वेश्चन में द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पोंडिंग टू सेक्शन ए एन एफ यानी यहाँ पर सेक्शन ए में और सेक्शन एफ में यहाँ पर जो है उनके सेंट्रल एंगल का डिफरेंस बताइए कितना होगा तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए आपको फिर से वो काम नहीं करना है कि ए का अलग डिग्री निकालें एफ का अलग डिग्री निकालें नहीं आप यहाँ पर सीधा इनके डिफरेंस को ही डिग्री में बता दीजिए जैसे एक कितना परसेंट लेकर बैठा है बीस एफ कितना परसेंट लेकर बैठा है बारह बीस और बारह का अंतर कितना होता है आठ परसेंट का होता है बीस और बारह का अंतर कितने का होता है ठीक है बीस और बारह का अंतर कितना होता है आठ परसेंट का होता है तो हमने यहाँ पर कहा कि वो आठ परसेंट डिग्री में कितना होगा ये बताना है वहीं बोला गया ना डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू ए एन एफ तो यहाँ पर आठ परसेंट आठ परसेंट की वैल्यू कितनी है हमें वो बताना है तो सबसे पहली बात ये जो तीन सौ साठ देखो यहाँ पर सौ परसेंट किसके बराबर होता है तो सौ परसेंट मैंने याद करो पाई चार्ट के सबसे पहली क्लास में बताया था कि सौ परसेंट डिग्री में किसके बराबर होता है तीन सौ साठ के हमें तो यहाँ बताना है आठ परसेंट कितने डिग्री के बराबर होता है बस बात ख़त्म तो यहाँ पर सौ परसेंट के लिए अगर इतना बोलेंगे तो आठ परसेंट कितना होगा तो इसी चीज़ को लिखने का एक तरीका है हम बोलेंगे देखिए सर तीन सौ साठ डिग्री जो है ना वो कितने का मान है तो वो सौ परसेंट का मान है हमें कितने परसेंट का मान पता करना है आठ परसेंट का तो हम इसको आठ परसेंट से गुना करेंगे परसेंटेज से बच्चे हम परसेंटेज को उड़ा देंगे यहाँ पे बहुत आसान तरीके से ज़ीरो से आपका ज़ीरो चला जाएगा ठीक है आप सीधा गुना मार के दस से भाग करो काट कुट मत किया करो आठ छः अड़तालीस का आठ चार हाथ में चौबीस चार अट्ठाइस दो सौ अट्ठासी दस से भाग करना है ट्वेंटी एट पॉइंट एट ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक की वैल्यू अलग दूसरे की वैल्यू अलग फिर उसको डिग्री का डिफरेंस नहीं करना ठीक है पंकज कहते सर टेलीग्राम से सी एच एस एल दो हजार बाईस का पीडीएफ अपलोड करके फिर हटा दिया मैंने अपलोड अभी नहीं किया है दो हजार बाईस का अभी अपलोड करूंगा मैं ठीक है अपने टेलीग्राम पर जो मेरा टेलीग्राम है वो है मैथ्स भाई आदित्य रंजन ठीक इस पर ऑफिशियली अपलोड होगा और कभी हटेगा नहीं मेरे टेलीग्राम पर चीजें नहीं हट सकती हैं ठीक है थीके? अगर एक आधा मिस्टेक हुई होंगी तो हट गया होगा बाकी मैंने अभी तक अपलोड किया नहीं है ठीक है आ जाइए नेक्स्ट देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में क्या बोला है इफ इन सेक्शन ई द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज फोर थ्री देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी टू दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ई बड़ा शानदार बोला है दोबारा से समझिएगा क्या बोला है इफ इन सेक्शन ई ये जो ई e वाला सेक्शन है इसमें बोला गया है रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मतलब इसमें अगर हम बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताएं कि बॉयज अगर चार एक्स हैं तो गर्ल्स हमारी कितनी है तीन एक्स है समझ में आ रहा है बात यहाँ पे ये किसका है तो बॉयज का और नीचे वाला किसका गर्ल्स का तो अगर बॉयज चार हैं तो लड़कियां कितनी है तीन एक्स हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी तो पहले यहां पर उसको बाद में देखेंगे पहले इसको सॉल्व करो ई कितना परसेंट है मेरे भाई चौदह परसेंट है ई कितना परसेंट है चौदह कुल डेटा हमारा कितना है तीन सौ तो 300 का 14 परसेंट है 300 का 14 परसेंट यानी ई के पास कितने बच्चे हैं टोटल कुल मिलाकर 42 बच्चे हैं तो 300 का 14 परसेंट यानी ई के पास 42 बच्चे हैं और वो 42 कितने यूनिट का मान है सात यूनिट का क्योंकि यही 42 के सात टुकड़े किए जाएंगे चार टुकड़ा लड़कों के पास जाएगा तीन टुकड़ा लड़कियों के पास यानी ये जो बयालीस है कितने का मान है सात यूनिट का मान है अगर बयालीस जो है वो सात यूनिट का मान है तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा छवन यूनिट फोर्टी के बराबर एक यूनिट छ के बराबर

साक्षक अठारह हमारी लड़कियां हो जाएंगे समझ में आ गया बात यहाँ पे ठीक है यहाँ पर ई का जो मान है वो चौदह परसेंट है तो तीन सौ का चौदह परसेंट बयालीस हो गया ये बयालीस हमारे कुल मिलाकर सात यूनिट का मान है सात यूनिट का मान बयालीस एक यूनिट का मान छः ठीक है तो चार यूनिट का मान चौबीस हो जाएगा और तीन यूनिट का मान अठारह हो जाएगा यहाँ के लड़कों का भी पता चल गया और यहाँ के लड़कियों का भी पता चल गया अब उसके बाद हमसे क्या बोला गया है तो उसके बाद हमसे यहाँ बोला गया है ठीक है देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी ठीक है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी अब इसके भी गर्ल्स का संख्या निकालना है तो कोई बात नहीं इसके गर्ल्स का संख्या हम निकाल देते हैं पहले रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी यानी इसके लड़कियों का अनुपात इसके लड़कियों के अनुपात से कैसा है तो पहले यहां पर इनके लड़कियों का अनुपात निकालिए। तो सेक्शन बी में कैसे पता करेंगे टोटल बच्चे हमारे पास 300 हैं 300 का 18 परसेंट जो है वो कौन है तो 300 का 18 परसेंट टोटल बच्चे हैं 300 का 18 परसेंट हो गया चौवन यानी यहाँ पर टोटल 54 स्टूडेंट हैं और 54 में 26 सिक्स यहाँ लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी 28 हो जाएंगी तो यहाँ बोला गया है इनके लड़कियों का और इनके लड़कियों का आप रेशियो बताइए अट्ठाईस अट्ठारह का रेशियो कितना होगा तो बोलेंगे सर यहाँ अट्ठाईस रेशियो अट्ठारह दो से कट जाएगा ये हमारा चौदह बार में और ये नौ बार में ऑप्शन नंबर डी फॉर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा समझ गए तो ये एक छोटी सी बात थी यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना था तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है पता करना था कि यहाँ लड़के और लड़कियों की वैल्यू कितनी है वो हमें कैसे पता चला तो यहाँ पर उनके परसेंटेज की वैल्यू पहले निकाली कि 300 का 14 परसेंट यानी 42 42 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है जिनको सेवन पार्ट में बांटना है सेवन यूनिट की वैल्यू 42 है एक यूनिट की वैल्यू 6 है चार की यहाँ 24 तीन का मान अठारह उसी तरीके से यहाँ पर बी देखेंगे तो अठारह परसेंट यानी फिफ्टी हो गया फिफ्टी टोटल स्टूडेंट है छब्बीस लड़के हैं तो अट्ठाईस लड़कियाँ हो गई और यहाँ पर फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया उनका नंबर का रेशियो बता दिया क्लियर है ये बात कोई परेशानी की बात है बताइए तो इस तरीके से आज हम लोगों ने अपना मिसिंग डीआईबी जो है वो ख़त्म कर लिया है इसका जो प्रैक्टिस शीट है और इसका जो यहाँ पर क्लास नोट्स है वो दोनों आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है बाकी जैसा कि एक मैंने आपसे कहा है स्टैटिस्टिक्स की वीडियो तो वो भी मैं आप लोगों को जो है बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा उससे आप लोग जो है मीन मीडियन मोड के जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है एक ही वीडियो होगा स्टैटिस्टिक्स का उसमें वो पूरा का पूरा कंप्लीट मिलेगा आपको और उससे आप पूरा का पूरा मीन मीडियन मोड पढ़ लेंगे ठीक है तो होप कि आप लोगों को काफी आनंद आया हो मजा आया हो काफी अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है इसको ठीक है चलिए अभी कहते हैं सर आईफोन नहीं चाहिए बस आपकी ब्लेसिंग चाहिए आप इतना करते हो हमारे लिए बहुत है मन लगा पढ़ो भाई ठीक है ऐसा नहीं है बहुत लाइफ में आगे जाना है अभी तो ठीक चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में अगला सेशन क्या होगा मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा आपको अपने इवेंट के माध्यम से दिख जाएगा तब तक पढ़ाई करते रहिए और जितना हमने आपको कराया है उतना आप बढ़िया से पढ़िए बाकी जो आप लोगों की डीआई की शिकायत थी आप लोगों ने देखा कि डी को कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक एक पॉइंट को कवर अप किया तो कभी भी आप लोग जो परेशान होते हैं ना ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ वो नहीं हुआ मेरे भाई जब मैं यहाँ पर कोई भी टॉपिक कराता हूँ तो उसको बढ़िया तरीके से जिस तरीके से ये कंटेंट बना है और जिस तरीके से डी की पी बनी है आप एक काम करना आप जाकर सारे के सारे पी को कंपाइल करना एक बार और कंपाइल करने के बाद उसको जब ई में कन्वर्ट करोगे ना तो दिखेगा कि वो अपने आप में किताब बन जाएगी ठीक है अगर मैं इस वीडियो को पूरा कंपाइल करके YouTube पर डाल दू ना जितनी भी मैंने डी पढ़ाई है कई लाख व्यूजर्स के ऊपर आ जाएंगे क्यों क्योंकि YouTube पर अभी इस तरीके से टॉपिक वाइज किसी ने नहीं, नहीं करा है टॉपिक वाइज किसी की पीडीएफ नहीं है जो ईजी मोटेड टफ हर लेवल के क्वेश्चन को यहां पर जो है वो टैकल कर पाए ठीक है तो इसीलिए आप परेशान ना हो बढ़िया तरीके से अपने पढ़ाई पर ध्यान दें बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दें जितना हम मैथ्स में आपको करा रहे हैं आप उतना बढ़िया से पढ़िए इसके अलावा कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है जो हमने पढ़ाया बस उसी को पढ़ते चलिए ठीक है चलिए खुश रहिए मस्त रहिए ध्यान रखिए अपना लव यू ऑल टेक केयर बाय